जौनपुर मणियाहो 370 विधानसभा से विकास सेल इंसान पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह द्वारा रामपुर क्षेत्र में विशाल होर्डिंग बोर्ड लगाने व भारी संख्या में वाहनों का प्रयोग करना उनको भारी पड़ा, जिसके कारण रामपुर थाना अध्यक्ष द्वारा आचार संहिता उल्लंघन के मामले पर कार्रवाई किया गया, जिसकी पार्टी ने नाराजगी में वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह अपने सभी समर्थकों के पास थाने के सामने बाहर सड़क पर स्थिति में धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगता रहा कि नेताजी को केवल आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई रास नहीं आई, तभी तो यातायात बाधित अधिनियम के उल्लंघन की तैयारी के लिए अपने समर्थकों के साथ सड़क पर बैठ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रामपुर में प्रत्याशी अशोक सिंह की एक विशाल होर्डिंग लगाई गई है, जो कि आदर्श आचार संहिता की खुलेआम खिल्ली उड़ाई जा रही है, जिस पर थाना अध्यक्ष रामपुर ने कार्रवाई किया था कि नेताजी रुष्ट हो गए और दोबारा आचार संहिता का उल्लंघन करने से कतई नहीं चूके और फिर से धरने पर बैठ गए। मणियाहो विधानसभा के वीआईपी प्रत्याशी जनता जनार्दन के बीच प्रचार प्रसार करने का एक नया तरीका निकाल रहे हैं, जिससे जनता की हमदर्दी प्राप्त हो सके, जिसका उन्हें इस चुनाव में भरपूर लाभ हो सके। कितने दिन से आए बेचारू भाई साहब, एक मिनट रुका भैया, एक सेकंड रुका भैया। यशो साहब इतने दिन से हैं, कभी भी गलत काम ना करें, हम तो यही लोकल पब्लिक है, मकान में आप हमें ज्यादा तो नहीं, हम आपके जानी थे। मालूम बा भैया, हमारे मालूम बा जाना, काहे रोकी है यार, क्यों ना रोके तो आप भी काहे रोकी है, खत्म करो भाई, खुद ही क्या वीडियो, अरे छोड़ो यार, चलो हो गया भाई, उनके तरफ से माफी मांगे, आप बैठिए भाई, हो गया माफी मांगे, अभी एक एक व्यक्ति को भेजे, वो सपा कार्यकर्ता खुद बोल रहा है, मैं सपा कार्यकर्ता हूँ, ठाकुर यहाँ से उठ जाओ, यही बोला से नहीं, यही बोला, अरे यही बोला, कुछ यही बोला से धक्का मार के भाई, मेरे एक आदमी गलती कर तो उसका सजा सब हो गए, ये नहीं पुलिस प्रशासन, हम निवेदन करते बैठक इसलिए किए हैं भाई, बैठक इसलिए किए हैं कि मैं कैंडिडेट हूँ, और मैं आपका नाम बताइए, अशोक सिंह नाम है मेरा, अशोक कुमार के नाम से फॉर्म भरा गया है, वीआईपी पार्टी का मैं कैंडिडेट हूँ, मैं नाव के चुनाव चिन्ह पे लड़ रहा हूँ, तो उनका अभी एक पहले मेरे ऑफिस में मैं बैठा था, मेरा ऑफिस है रामपुर में, कार्यालय है वहाँ पे, परमिशन के साथ वहाँ पे बैनर लगा हुआ है, तो इनका कहना कि ये बैनर परमिशन के साथ नहीं लगा हुआ, हमने परमिशन बताया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये बैनर उखाड़ लीजिए, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपकी ऐसी मर्जी है उस पर कार्यालय निकाल, मैं उखाड़ लीजिए कोई बात नहीं है, तो फिर वहाँ से कह के निकले, फिर मैं वहाँ रास्ते में आ रहा था, फिर यशो निकले यहाँ से हुटर बजाते हुए, गाड़ी को मेरी गाड़ियों को रोक दिए जो परमिशन की गाड़ियाँ थी, बोले आप ऐसे कैसे जा सकते हो, मैंने कहा क्यों नहीं जा सकता, बोले आपको इस बैनर लगाने का परमिशन है जो गाड़ी पे लगा, मैंने कहा बिल्कुल परमिशन है, तो बोले परमिशन दिखाओ, मैं बोला दिखाता हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, मैंने कहा आप बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि मैंने कहा कि आप मुझे प्रचार क्यों नहीं करने देने जाते, बोले प्रचार आपको आचार संहिता का उल्लंघन न करते हुए करना है, मैंने कहा आचार संहिता का पालन करके मैं कर रहा हूँ, बोले अगर आप मिनिस्टर होते तो कोई बात और होती थी, रिपुटेड पार्टी को तो कोई बात और होती थी, आप इस तरह से प्रचार नहीं कर सकते, तो इसलिए मेरा झगड़ा हुआ उनसे, उनका कहना हम आपको करने नहीं देगा, हमने को फिर आंदोलन किया। आपकी मांग क्या है सर? मेरी मांग ये है कि जो मैं फेस डालूंगा तुम्हारे ऊपर, ये क्या है, मैंने कहा मैं कैंडिडेट हूँ,
बोले कैंडिडेट हो अपनी जगह हो, मैं नहीं जानता वो। मैंने कहा कि मैं प्रचार नहीं कर सकता, बाकी लोगों की 14-14 गाड़ियां चल रही हैं, अपना दल की चल रही हैं, आप क्यों मुझे कह रहे हो ऐसा? तो बोले अगर आप मिनिस्टर होते तो आपको भी नहीं करते थे, आपको भी चलने देते थे। मतलब जिसका सत्ता रहेगा उसकी गाड़ियां चलेंगी, उसकी गाड़ियां चलेंगी। मतलब ऊपर वो कह रहे हैं कि मुझे ऊपर से प्रेशर है, मुझे ऊपर से प्रेशर है, हम आपको चुनाव प्रचार नहीं करने देंगे। मरियाओं से मेरे कुछ लोग आ रहे थे, उनको रोका जा रहा है, उनको चेक किया जा रहा है। मैं उनको पूछा कि भाई हमारी ही गाड़ी क्यों रोक रहे हैं, हमारी दो गाड़ी परमिशन हमको क्यों रोक रहे हो? तो उनका कहना है कि अगर आप सत्ता में होते, आप मिनिस्टर होते तो हम आपको नहीं रोकते, आप यहाँ से चले जाओ। फिर मैं आपको क्या लग रहा है किसका इसमें जो है किसके द्वारा रुकवाया जा रहा है कुछ आप? मैं ठाकुर समाज का हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपना दल का टिकट है, आरके वर्मा उससे गठबंधन से लड़ रहे हैं, भदोही से आए हुए हैं। बस आप समझे मेरा प्रचार रूप अच्छा नहीं लग रहा है वर्मा जी को। वो ऊपर कहते होंगे ऊपर मिनिस्ट्री उनकी है भाई, वर्मा जी की, आरके पटेल की उनकी मिनिस्ट्री होगी, आरके पटेल आ रहे हैं बता लेकिन रहे हैं। सर आप समाज सेवी व्यक्ति हैं, अगर सर ये जो इतनी लंबी लाइनें लग रही हैं, मान लीजिए किसी को आने जाने में समस्याएं आ रही हैं, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? मेरा ऐसा कहना है कि भाई जो एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं, जो भी गाड़ी साइड से चली जाए, मैं पुलिस थाने में अगर मैं आज अपनी बात नहीं रखूंगा तो मैं चुनाव नहीं करूंगा। उनको मैंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग का नियम है कि 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हो। मैंने कहा है जो मैं खर्च कर रहा हूं, अगर मैं चुनाव लड़ना ही नहीं है तो मैं खर्च कैसे करूंगा? आप मेरा बैनर रोक देंगे, मेरी गाड़ी रोक देंगे, मुझे जाने ही नहीं देंगे। तो मैं कहा मेरा जनता से कोई वो नहीं, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूं, जनता की भलाई के लिए लड़ रहा हूं। आज मुझे रिवाल्वर दिखा रहे हैं, कल मेरे जो समर्थक है बेचारे, मेरा ड्राइवर भाग जा रहा है, कल उसको रिवाल्वर दिखाएंगे। चुनाव बोल रहे हैं कि चुनाव खत्म हो जाएगा तो हम आपको देख लेंगे, आप हम यही रहेंगे, आप यही रहेंगे। ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब? धमकी कौन दे रहा है? धमकी कौन दे रहा है आपको? यस्सो यहाँ के जो रामपुर के यस्सो हैं। अच्छा यस्सो साहब। हाँ यस्सो साहब, मुझे धमकी दे रहे हैं, आए मेरे कार्यालय पे, आए मेरी गाड़ी रुकाए, होटल बजा के आ रहे हैं। उनको होटल बजाने का इलाव है रामपुर में? हाँ रामपुर में है। उनको होटल बजाने का राइट है, उनको बीच रास्ते में मेरी गाड़ी रुका देना राइट है, तो क्या मैं वहाँ पे अपनी बात उनके थाने के सामने बैठ के अपनी बात नहीं रख सकता? मैं अपनी बात, अब मेरे पीछे जो गाड़ियां थी सब बोले आपकी बिना परमिशन की गाड़ी है। अच्छा एक चीज ये बताइए, मेरे गाड़ी के पीछे सब ट्रक लगे हुए हैं, क्या मेरी गाड़ी है? ये मेरी गाड़ी है, तो मेरी गाड़ी रुका दिए, उसके पीछे गाड़ी अगर रुक गई है कोई तो उड़ के तो जाएगी नहीं गाड़ी। अगर वो गाड़ी रुके तो बोलिए कैसी गाड़ी है? अब बेचारा वहाँ से ड्राइवर भी भाग जा रहा है, पब्लिक का ड्राइवर भाग जा रहा है वहाँ से, क्या मतलब है इसका? आप मेरी गाड़ी रोड पे क्यों रुका रहे हो? आप मुझे संदेश दे देते थे कि रामपुर के सुने मैं आपका पालन करता, मैं आप नहीं आता तो आप मुझे करते, आप मेरे ऊपर एफआईआर करते, अगर मेरी कोई गलती की है तो उसका एफआईआर करते आप ऊपर, अगर मैंने आचार संहिता का उल्लंघन किया तो उसके लिए आप केस करते। लेकिन ठाकुर चुनाव लड़ रहा है पूरे मरियाओं विधानसभा में, गर्व होना चाहिए ठाकुर को। दबंग मूवी देख के आए, दबंग मूवी देख के आए। जाइए पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अश्वास सिंह जिंदाबाद, रामपुर को रोका जा रहा है प्रचार के लिए, ठाकुर को गाड़ी लेके दूसरे दल वाले चल रहे, हमारी गाड़ी जहाँ जा रहे हैं
हमारी गाड़ी यहाँ से क्या रही है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमारा परमिशन नहीं लगा तब क्यों रहा है, हनन हो रहा है, बुलाइए एसओ साहब की यहाँ आए, एसओ साहब को पता नहीं पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही तो आगे नहीं रही अभी, एसओ साहब को आना चाहिए, उन्होंने अपमान किया है, बंजार रोकने के लिए आते थे, वर्दी दी गई जनता की सेवा के लिए, ना कि अपनी प्रॉब्लम हुआ तब हम लोग बैठे हैं ना, हम लोग को भी न्याय चाहिए ना, वर्दी में यही करना है, गुंडा वर्दी में गुंडा वही गुंडा पिक्चर आई थी वर्दी का गुंडा, वर्दी का गुंडा ये हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, सब लोग प्रचार कर रहे हैं, हम लोग भी प्रचार कर रहे हैं, गलती क्या किया है हम लोग, एक गुंडा क्या हो सकता है, इलेक्शन के लिए सभी लोग खड़े हुए हैं, अगर नहीं खड़े पुलिस प्रशासन गुंडा, पुलिस प्रशासन गुंडा, पुलिस प्रशासन गुंडा, पुलिस प्रशासन गुंडा, निकलवा रहे हैं, 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 एम्बुलेंस निकलवा रहे हैं सर, इन्होंने सही बता रहे हैं, हम जो गाड़ी लेके निकले हैं गाड़ी कार्यालय से निकले, उसके पीछे किसकी गाड़ी, हम सब क्या मालूम, और रुका के गाड़ी पहले दो सिपाही भेजे, अरे भाई रिवाल्वर लेके ऐसा कर रहे हो, तुम ठाकुरों की गर्दी उतार दे रही, अब बताओ अब कहां है, और हमने बोला भी कि सपा के भी तो लेके 10-10, 15-15 गाड़ी घूम रहे हैं, हमारे सब क्या कर रहे हैं, घूमने दो, अरे घूमने दो, आप क्या कर रहे हो, सारे लोग घूम रहे हैं, एक मरियाओ विधानसभा में एक ठाकुर लड़ रहा है, ये बताइए, और नवरिया थाना नहीं है, और भी नहीं, और भी तो है ना मरियाओ थाना, क्यों नहीं उनको नहीं मालूम है सही क्या गलत क्या है, अरे सारे लोग घूम रहे हैं, यहाँ तक का कार्यालय हमारा पास है, सुनिए कार्यालय हमारा पास है, हमारा कार्यालय में जाकर करे इसको हटा दीजिए, बताइए एम्बुलेंस निकालो, पहले एम्बुलेंस निकालो, और सपा का आया था, भाई कहाँ जा रहा है, गाड़ी लो एम्बुलेंस नहीं है, चाल है, आप जाने दो, चार गाड़ी,